वेलकम फ्रेंड्स, एवरीडे गुड आफ्टरनून। आज आपकी लगभग तीसरी चौथी क्लास है। पहली क्लास में तो आपको इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताया था कि आपको कोई सब्जेक्ट में क्या सब क्या चीज़ पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। दूसरी क्लास में बताया था कि आपको फार्माकोलॉजी के बारे में और फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन क्या है, वैज्ञानिक क्या है। तो आज आपकी लगभग तीसरी या चौथी क्लास है, तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे ये आपको पहले बताया गया कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो दो तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, दोनों डेफिनेशन वही सेम है, वही शब्दों का उपयोग हो रहा है। तो आज हम फिर पढ़ेंगे कि जो फार्माकोलॉजी की जो परिभाषा थी, तो जिसके अंतर्गत उदाहरण दिया था कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषध शास्त्र से संबंधित विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। आप विस्तार पूर्वक में जो भी शब्द है तो उनकी डेफिनेशन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या आया था कि पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र, तो ये भी उसके अंतर्गत आया था। तो इसको क्या कहते हैं कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यानी इसके क्या परिभाषा होगी कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाता है। हिंदी में कहते हैं पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र कहते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स क्या है, तो ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसकी भी परिभाषा तय की गई है। तो फार्माकोडायनेमिक्स की क्या परिभाषा है, इसके अंतर्गत दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, यानी जो पशु का शरीर होता है उस पर दवा किस प्रकार असर करती है, उन तत्वों तक पहुंचती है, तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, फार्माकोडायनेमिक्स। अगली डेफिनेशन है आपकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ही फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि पशु शरीर दवा के साथ क्या कार्य करता है या क्या उसके साथ होता है, तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दोनों डेफिनेशन इसके अंतर्गत आ गई, पशु चिकित्सीय औषध शास्त्र के अंतर्गत। अब अगले आपको जो फार्माकोलॉजी की परिभाषा थी उसके अंतर्गत ये भी आया था कि फार्माकोजेनेसिस, यानी औषधि को पहचानना और उनके स्रोत क्या है, तो इसका भी अध्ययन आया था उदाहरण में। तो इसकी भी एक परिभाषा बनाई गई है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि के स्रोत वह उन्हें पहचानने का अध्ययन करना, वह उन्हें पहचानने का अध्ययन करना क्या कहलाता, फार्माकोजेनेसिस कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधियों के स्रोत को पहचानना क्या कहलाता है, फार्माकोजेनेसिस कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपकी फार्माकोलॉजी की परिभाषाओं के अनुसार ही तय की गई, जिनको बहुत ही जरूरी तौर पर जानना जरूरी है। अगले आपकी फार्मा के डेफिनेशन में विस्तार पूर्वक में उपचारात्मक या थेराप्यूटिक्स पे आता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषध शास्त्र का यानी फार्माकोलॉजी का उपयोग करके पशु की बीमारी को देखकर उपचार करना क्या कहलाता है, थेराप्यूटिक्स कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपकी कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थेराप्यूटिक्स क्या है, ये तो आपको पता है कि फार्माकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी बनाई गई है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए बीमार पशु को इलाज करना या उपचार करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक थेराप्यूटिक्स कहलाता है, जो निम्न प्रकार से उपचार किया जा सकता है, यानी थेराप्यूटिक्स का उपचार भी निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे कि उपचारात्मक थेराप्यूटिक्स के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन है औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए बीमार पशु का इलाज करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक थेराप्यूटिक्स। अब इसके अंतर्गत निम्न भागों में उपचारात्मक थेराप्यूटिक्स को बांटा गया है,
अगली डेफिनेशन है आपकी उपचारात्मक। ये लगा ये दिया या ये लगा के ऊपर अगर तो उसकी मतलब ऊपर से या थेरापोटिक्स के प्रकार। तो इसके प्रकार निम्न है, इसके निम्न प्रकार से बीमारी का उपचार किया जाता है। निम्न प्रकार से बीमारी का उपचार किया जाता है। तो फर्स्ट है एम्पेरियल थेरापोटिक्स, एम्पेरियल थेरापोटिक्स। एम्पेरियल थेरापोटिक्स क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बीमारी का इलाज करता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बीमार पशुओं का इलाज करना क्या कहलाता है? इंपेरियल थेरापोटिक्स कहलाता है। इंपेरियल थेरापोटिक्स कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। जैसे दुग्ध ज्वर, उदाहरण में है दुग्ध ज्वर, यानी दुग्ध ज्वर, ज्वर का मतलब है बुखार, यानी पशु को दुग्ध बुखार। तो जिसमें कुनेन वगैरह की गोली देते हैं, या सर्दी से चढ़कर या कब कभी पशु को लगती है, तो उसका इलाज दुग्ध ज्वर में किया जाता है। अगला प्रकार है आपका व्यवहारिक तथा औषध शास्त्र चिकित्सा। अगला प्रकार है आपका पशु को इलाज करने का व्यवहारिक व्यवहारिक अथवा अथवा औसत चिकित्सा, औसत चिकित्सा। तो इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति औषध शास्त्र वैज्ञानिकों के आधार पर या पशु के विकृति के आधार पर या
पैथोलॉजी, पैथोलॉजी को कहते हैं विकृति, विकृति के आधार पर पशु का इलाज करना, के आधार पर पशु का इलाज करना क्या कहलाता है? व्यवहारिक अथवा औषध चिकित्सा। व्यवहारिक तथा औषध चिकित्सा कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे पशु के पेट की अम्लीयता बढ़ने पर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करना, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा, मीठा सोडा का उपयोग करना। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या हुई कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर औषध शास्त्र के वैज्ञानिकों के आधार पर तथा पैथोलॉजी के आधार पर, पैथोलॉजी को कहते हैं विकृति, यानी पशु की विकृति के आधार पर बीमार पशु का इलाज करना क्या कहलाता है? व्यवहारिक तथा औषध चिकित्सा कहलाता है। जैसे पशु के पेट की अम्लता का बढ़ जाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करना, हिंदी में कहते हैं मीठा सोडा का उपयोग करना। तो आपकी दो उपचारात्मक थेरेप्यूटिक्स के प्रकार हुए। अब है आपका तीसरा प्रकार, स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स, विशेषीकृत चिकित्सा, विशेषीकृत चिकित्सा। ये भी थेरापूटिक्स के प्रकार है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? किसी बीमारी के लिए विशेष औषधि का उपयोग करना विशेष चिकित्सक या विशेषीकृत चिकित्सा कहलाता है। इसके अंतर्गत विशेष बीमारी में, विशेष औषधि का, उपयोग करना विशेषीकृत चिकित्सा कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत किसी विशेष बीमारी में स्पेसिफिक जो बीमारी होती है और स्पेसिफिक औषधि का उपयोग करना क्या कहलाता है? विशेषीकृत चिकित्सा कहलाता है। जैसे
यानी विशेष बीमारी में विशेष औषधि का उपयोग करना क्या कहलाता है? विशेषीकृत चिकित्सा कहलाता है। जैसे सरा रोग में एंट्रोपोल का उपयोग, औषधि का उपयोग तथा नेजर ग्रेनुलोजा रोग में टार्टर इमेटिक औषधि का उपयोग करना। यानी सर्रा रोग ज्यादातर उत्तम होता है, तो एक विशेष रोग है और विशेष इसके लिए औषधि क्या तैयार की गई है? एंट्रापोल औषधि। इसी तरह दूसरा रोग है नेजर ग्रेनुलोजा, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? जो पशु के नथुने होते हैं, नाक होता है, उसपे गोभी आकार के फूल बढ़ जाते हैं, तो उस रोग को कहते हैं नेजर ग्रेनुलोजा। तो उस रोग में एक विशेष औषधि तैयार की गई टार्टर इमेटिक, तो उस औषधि का उपयोग करना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? विशेषीकृत चिकित्सा के अंतर्गत। यह भी थेराप्यूटिक्स के प्रकार है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हानि रहित इसके अंतर्गत हानि रहित औषधि का उपयोग कर पशुपालक को संतुष्ट करना संतुष्टि औषधि उपचार कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हानि रहे औषधि का उपयोग किया जाता है, जिससे पशुपालक को संतुष्ट किया जा सकता है। यानी उसका औषधि का उपयोग का कोई पशु पर साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे किसी रोग में कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट का उपयोग करना, कैल्शियम लैक्टेट आदि का उपयोग करना। तो यह औषधि ऐसी होती है जिससे पशु पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता और पशुपालक को आराम से संतुष्ट किया जा सकता है और
वसूल किए जा सकते हैं। तो इसलिए इस थेरापूटिक्स का उपयोग किया जाता है। अब यह आपका लास्ट उपचारात्मक थेरापूटिक्स का प्रकार लक्षणीय चिकित्सा। लक्षणीय चिकित्सा इसके अंतर्गत पशु के लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति पशु के लक्षणों के आधार पर पशु का इलाज करना, पशु का इलाज करना लक्षणीय चिकित्सा कहलाता है। इलाज करना लक्षणीय चिकित्सा कहलाता है। जैसे उत्तेजना को कम करना, जैसे उत्तेजना को कम करना या बुखार को कम करना, तो इसके लक्षणों के आधार पर पशु का ट्रीटमेंट किया जाना क्या कहलाता है, लक्षणीय चिकित्सा। तो ये लगभग आपके पास थेरापूटिक्स के प्रकार है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।